गुजारिश सुनेंगे तो आपको जो मुशर्रफ दौर के अंदर NRO मिला उसके अंदर से चौधरी साहबान ने अपना वो अरसा जिसके अंदर वो बरसरे इक्तदार रहे, सियासत में रहे, उसको निकलवा दिया और कोऑपरेटिव वाले मामला सारे के सारे जो हैं उसको काबले एहतसाब ठहरवाया, खुद ठहरवाया। तो मैं समझता हूँ कि हमें ना कभी NRO की ज़रूरत थी ना आइंदा इंशाल्लाह होगी, इसलिए कि हमारी क्यादत और हम सारे लोग, हमारी टीम, हम अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियत लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, दयानतदार लोग हैं। सवाल ये था कि मुझे डिनर पे बुलाया जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। मुझे फंक्शनों पे बुलाया जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। मैं अपने ओहदे से बतौर स्पीकर छुट्टी ले रहा हूँ। फिर अचानक क्या होता है कि सारा कुछ ठीक हो जाता है? ये NRO है, ये क्या है? देखे, मेरी गुजारिश सुने, ना कभी हमें NRO की ज़रूरत थी ना इंशाल्लाह आइंदा होगी। वो मामलात ये थे कि एक इब्तदाई तौर पे जो हमारे अलायंस के लिए मुआदा हुआ उसमें एक दो शिके थी। सबसे पहली शिक थी कि तवातर के साथ मुशावरत होगी, उसमें कमी थी, हम इसलिए उसके ऊपर रिजर्वेशन शो करते थे। दूसरी बात थी कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी मशावरत शामिल होगी, उसमें कमी थी। वो जूजू दूर होती चली जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नज़दीक आते चले जा रहे हैं। अच्छा, काबिल साहब ये बताएं कि आपसे ये है कि आपने पहले भी कई इलेक्शन लड़े हैं सेनेट के, पंजाब में KTK से एक इशू आ चुकी है कि पैसे गिने जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। पंजाब में आपका क्या तजुर्बा है, कितने पैसे जा रहे हैं और कौन कौन इस पे? मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं सारी जिंदगी हो गई इलेक्शन लड़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजर्बे से ये मुहर्रकात नहीं गुजरे। अच्छा कामिल साहब ये बताएं, आपने कहा कि आप सेनेट में, ये पंजाब में आपने नहीं दिए कभी, पंजाब में कभी पैसे इस्तेमाल नहीं? पंजाब में मैंने कभी नहीं देखा, ना देखा है ना सुना है। अच्छा, आपने कहा कि सेनेट में आप नौजवान क्यादत के आखिरी उम्मीदवार हैं, इसके बाद नई लड़ी भी आ सकती है, तो आखिरी उम्मीदवारी के तौर पर कौन सा ऐसा काम है जो आप सेनेटर मुंतखब होने के बाद सबसे पहले करवाना चाहेंगे? आवाम की खिदमत जी। किस तरह से? महंगाई तो काबू में नहीं आ रही। जिस तरह हम अपने अदवार में अवाम की खिदमत करते रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये हुकूमत भी उसी तरीके से आम आदमी की खिदमत करे, अवामी फुला के मंसूबे बनाए। तो पंजाब में उस्मान बुजदार साहब की जगह अगर चौधरी परवेज राय साहब आ जाए तो ज्यादा बेहतर हुकूमत चलेगी, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, महंगाई खत्म हो सकती है, पॉजिटिव काम ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। आप समझते हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब को वजीर आला पंजाब होना चाहिए, आपकी राय है? मैं तो चाहूंगा कि अगली घड़ी वो लम्हा आ जाए कि मेरी क्यादत जो है चौधरी परवेज लाई साहब वो बरसरे इक्तदार हो और आम आदमी की हिम्मत करे। मेरी मैं मुकम्मल बात करता हूँ, मुकम्मल बात, सब्र करें ना, थोड़ा सब्र करें ना। लेकिन चूँकि हम एक ऐसे इत्तेहादी हैं, बाएतमाद इत्तेहादी हैं, जिसके साथ जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, इंशाल्लाह हम अपना वादा निभाते चले जाएंगे। हमारा किरदार अवाम के सामने बड़ा वाज़ेह है। कितना अच्छा फिक्र आप कह रहे थे, वो नारे ने खराब कर दिया। आपकी ख्वाहिश थी कि आप चाहते हैं कि आपकी क्यादत जल्द से जल्द, हाँ ये पूरा फिक्र है। मेरी क्यादत अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि जब भी कोई चैलेंज उनके ऊपर आता है वो उसको निभाते हैं और इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त करते हैं जी, बड़ा मुश्किल।